छह ऐसी रहस्यमयी और अनसुलझी घटनाएं जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर सिक्स, ये कहानी एक ऐसे समुद्री जहाज की है जिसकी ये अनोखी घटना आज तक भी अनसुलझी है। इस घटना के बारे में जो कोई भी सुनता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। वैसा तो ये घटना कोई खास पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी इस घटना को करीब 70 साल से ज्यादा का टाइम बीत चुका है। ये बात साल 1947 के जून के महीने की है। उस टाइम मलक्का की खाड़ी में मौजूद एक कमर्शियल मार्ग से कोई समुद्री जहाज गुजर रहे थे। इसी दौरान एक SOS मैसेज पहुंचा कि जहाज के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है। अब उस जहाज के सिग्नल को पहचानते हुए नजदीक के सभी जहाज उस रहस्यमय जहाज की तरफ बढ़े, और ऐसा कहा जाता है कि इस रहस्यमय जहाज के सबसे नजदीक एक मर्चेंट शिप तेजी से उसके पास पहुंच गया। जब द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स उस रहस्यमय जहाज पर पहुंचे, वो ये देखकर हैरान रह गए कि हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। कई लोगों की तो आंखें भी खुली हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसा वो किसी चीज से डरे हुए हो। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि मरने वाले लोगों के शरीर पर किसी भी तरह के कोई जख्म या निशान नहीं थे। उनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। बाद में द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स जब उस रहस्यमय जहाज के बॉयलर रूम तक पहुंचे तो उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगी। अब ये एक बेहद ही हैरान करने वाली बात थी। ये सब देखने के बाद द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ने जल्दी से अपने जहाज की तरफ जाने का फैसला किया। उनके वहां पहुंचते ही उस रहस्यमय जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। जिसके बाद कुछ लोग इस घटना के पीछे एक रहस्यमय शक्ति को जिम्मेदार बताते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वहां प्राकृतिक गैसों का एक बादल बन गया था जिसकी वजह से जहाज के सभी क्रू मेंबर्स मारे गए थे और जहाज में भी आग लग गई। अब इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था ये आज तक पता नहीं चल सका है। कुछ लोग इस घटना को भूतिया बताते हैं, जबकि कुछ लोग इस घटना को सिर्फ काल्पनिक मानते हैं। नंबर 5, दुनिया में कई तरह की अजीबोगरीब जगहें मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां सिर्फ जुड़वा लोग ही पैदा होते हैं। ये जगह कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही मौजूद है। केरल के मल्लमपुरम जिले में स्थित कोडिनी गांव में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे जुड़वा ही पैदा होते हैं। दुनिया में 1000 बच्चों में से 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में 1000 बच्चों में 45 ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, और 400 जुड़वा बच्चों के साथ ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। और इस घटना ने रिसर्चर्स को भी हैरानी में डाल दिया है। 2008 में एक ऑफिशियल डेटा के हिसाब से गांव में 280 जुड़वा बच्चों की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन तब से ये संख्या बस बढ़ती जा रही है। इस रहस्यमय गांव में जब आप जाएंगे तो आपको यहां एक ब्लू बोर्ड भी दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है, भगवान के जुड़वा गांव में आपका स्वागत है। कोडिनी के लोगों को लंबे टाइम तक इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वे इतने अनोखे हैं। जब यहां जुड़वा बच्चे पैदा होते थे तो उन्हें ये असामान्य घटना एकदम सामान्य लगती थी। एक दिन यहाँ की जुड़वा लड़कियों ने इस बात पर गौर किया। कई साल पहले समीरा और फेमिना जुड़वा बच्चों की एक जोड़ी गांव के एक IISC स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उन्होंने अकेले एक कक्षा में 8 जोड़े जुड़वा बच्चों को देखा। फिर लड़कियों को पता चला कि ऐसे जुड़वा बच्चे दूसरी क्लास में भी हैं। यहाँ के जुड़वा बच्चों ने अपनी क्लास असाइनमेंट के लिए एक छोटा सर्वे किया। उन्हें पता चला कि उनके अकेले स्कूल में 24 जोड़ी जुड़वा बच्चे हैं। और जब जुड़वा बहनों की ये रिसर्च गांव वालों के सामने आई तो उन्होंने भी इस चीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जुड़वा बच्चों की संख्या पिछली 3 पीढ़ियों से इस तरह देखने को मिल रही है। जुड़वा बच्चों की गुत्थी सुलझाने के लिए यहाँ भारत, लंदन और जर्मनी के रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने अक्टूबर 2016 में कोडिनी गांव का दौरा किया। उन्होंने DNA की स्टडी करने के लिए बाल और सलाइबा के नमूने भी लिए थे, लेकिन इन सबके बाद भी रिसर्च इस रहस्यमय घटना के पीछे सीधा वैज्ञानिक कारण बता नहीं सकी। उनका कहना है कि कोडिनी गांव की हवा, पानी और खेत में एक स्पेसिफिक तत्व की वजह से भी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। नंबर 4, चीन में यांगसी नाम का एक गांव है। इसे रहस्यमय गांव भी कहा जाता है और इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। इस गांव में ज्यादातर आबादी छोटे कद वाले लोगों की है।
इस गांव की आबादी का 50% भाग बोने लोगों का है और इनकी कुल लंबाई 2 फीट से लेकर मात्र 3 फीट होती है। आसपास के गांव के लोगों का मानना है कि इस गांव पर किसी बुरी शक्ति का साया है, जिस कारण से यहां के लोगों की लंबाई नहीं बढ़ पाती। वहीं इसके साथ ये भी मान्यताएं हैं कि ये गांव प्राचीन काल से ही श्रापित है, जिसका असर आज भी गांव पर देखने को मिलता है। लोगों के बोने होने के पीछे का रहस्य क्या है, पिछले 60 सालों में इसका पता साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि कई दशक पहले इस गांव को एक खतरनाक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। बीमारी फैलने के कारण आज भी इस गांव के बच्चों की लंबाई एक टाइम के बाद रुक जाती है। इस इलाके में बोनों को देखे जाने की खबरें साल 1911 से आती रही हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर इस खतरनाक बीमारी का पता साल 1951 में चला, जब प्रशासन को पीड़ितों के अंग छोटे होने की शिकायत मिली। 1958 में जब जनगणना हुई तो गांव में करीब ऐसे 119 मामले सामने आए और इस रहस्य को वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। नंबर 3, ये दुनिया का सबसे डरावना और रहस्यमय जंगल माना जाता है, जहां लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। दुनिया में कई ऐसी डरावनी जगह हैं जहां जाने से लोग कतराते हैं। ऐसी ही एक जगह रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया प्रांत में है, जहां ऐसी ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटती हैं कि लोग वहां जाने से भी डरते हैं। यह है होया बसियो जंगल, जिसे दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक माना जाता है। यहां घटने वाली रहस्यमय घटनाओं के कारण ही इस जंगल को रोमानिया का ट्रांसिल्वेनिया या बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इस जंगल में पेड़ मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, जो दिन के उजाले में भी काफी खतरनाक और डरावने लगते हैं। इस जगह को लोग UFO और भूत प्रेतों से भी जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। होया बसियो जंगल को लेकर पहली बार लोगों की दिलचस्पी तब जागी थी जब इस क्षेत्र में एक चरवाहा लापता हो गया था। सदियों पुरानी कहानी के अनुसार वो आदमी जंगल में जाते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि उस टाइम उसके साथ 200 भेड़े भी थी। यहाँ घूमने आने वाले कुछ पर्यटकों ने भी इस तरह की घटनाओं का जिक्र किया है। लोगों का कहना है कि इस जंगल में रहस्यमय शक्तियों का वास है। यहाँ पर लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और यही कारण है कि लोग इस जंगल में पांव तक नहीं रखना चाहते। एक कहानी के अनुसार साल 1870 में यहाँ पास ही के एक गांव में रहने वाले एक किसान की बेटी गलती से इस जंगल में घुस गई और उसके बाद गायब हो गई। लोगों को हैरानी तो तब हुई जब वो लड़की ठीक 5 साल बाद जंगल से वापस आ गई, लेकिन वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी और कुछ टाइम के बाद ही उसकी मौत भी हो गई। नंबर 2, दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के रेगिस्तान में स्थित ये नजाका लाइंस 50 या 100 साल पुरानी नहीं बल्कि 2000 से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। इन लाइंस को जब कोई व्यक्ति जमीन से देखता है तो ये लाइंस बहुत ही नॉर्मल दिखाई देती हैं, लेकिन जब कोई इंसान इसे आसमान से देखता है तो इन लाइंस को देखने के बाद इंसान इसे देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पेरू के नजाका लाइंस से पहले कई बड़ी आकृतियां मिल चुकी हैं, लेकिन नजाक लाइंस की खोज के बाद दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट और स्पेस साइंस से जुड़े लोग इसे देखने के लिए जाते रहते हैं। नजाका लाइंस को लेकर कुछ और भी बातें होती रहती हैं कि इनका निर्माण कोलंबियाई सभ्यता से प्रेरित था। कुछ लोगों का मानना है कि इन लाइंस का निर्माण सिंचाई के लिए किया गया था, लेकिन इसका प्रमाण किसी को नहीं मिलता। नंबर 1, 2003 में चिली के रेगिस्तान में एक ऐसा अजीब कंकाल मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया, और ये कंकाल किसी 6 फुट के इंसान का नहीं बल्कि एक 6 इंच के बच्चे का था। एटाकामा रेगिस्तान में मिले इस ममी का नाम तब एटा रखा गया था। इसे खजाने की खोज करने वाले ट्रेजर हंटर ऑस्कर मूनो ने ढूंढा था। उस टाइम ये एक चमड़े की थैली में रखा मिला था और इसे रिबन से बंधे एक सफेद कपड़े में लपेटा हुआ था, और तब से लेकर आज तक इस कंकाल ने वैज्ञानिकों का दिमाग घुमाकर रख दिया था। इसके शरीर में 10 पसलियां थी जबकि ज्यादातर इंसानों के पास 12 पसलियां होती हैं। कंकाल की बड़ी खोपड़ी और अजीबोगरीब बनावट को देखकर
इसे एलियन से भी जोड़कर देखा गया। शुरुआती रिसर्च में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। डीएनए जांच हुई तो पता चला कि इस बच्चे में जेनेटिक म्यूटेशन थे। इस एलियन पर 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी और तब से इसे एलियन ही माना जाने लगा, और जिसके बाद और ज्यादा छानबीन शुरू होने लगी और दुनिया भर के साइंटिस्ट मैदान में उतरे, जिसके बाद पता चला कि ये छोटा कंकाल बहुत पुराना नहीं बल्कि 1970 के दशक का है। 2018 में भी एक स्टडी सामने आई, लेकिन इसने सुलझाने की बजाय इस रहस्य को और उलझा दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप ऐसी और रहस्यमयी और अनसुलझी घटनाओं को देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना।